राहुल गांधी राजनैतिक कैरियर नहीं बड़सड़ प्रश्न तुले दिलें भोट कुशली प्रशांत किशोर। सर्वभारतीय एक संवाद संस्था के देवा एक इंटरव्यूते प्रशांत किशोर के प्रश्न करा है वनाडर कांग्रेस प्रार्थी राहुल गांधी राजनैतिक भविष्य नहीं। प्रशांत किशोर उत्तर दें राहुल गांधी वास्तवटा के बुझसें ना, ताके बुझते हबे जे राजनैतिक दलटीते नेतृत्व दिच्छेन ना पारछेन सरे आसते ना पारछेन अन्य काउके जायगा छेड़े दिते। गत 10 बछर धरे जे राहुल गांधी व्यर्थ होच्छेन तार वास्तवटा विचार करले राहुल गांधीर उचित अंतत पिछिए आसा। प्रशांत किशोर बोलें जे 2014-2019 दुटि भोटे राहुल गांधी नेतृत्व दिलो दल व्यर्थ होयेछे किन्तु ए व्यर्थता सत्त्वेओ तार कोनो परिवर्तन नेई। ए विषय बोलते गिये प्रशांत किशोर बोलें आपनि जखन विगत 10 बछर धरे एकई काज करे जाच्छेन अथच कोनो साफल्य आसछे ना तखन स्वेच्छाय अवसर नेवा उचित, এটা কোনো পরাজয় নয়, আগামী 5 বছরের জন্য কাউকে জায়গা করে দেওয়া উচিত আপনার। আপনার মাও তো তাই করেছেন, উল্লেখ্য 1991 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর নিজে সরে গিয়ে পিভি নরসিমা রাওকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে রাহুলকে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন এবং বাস্তবটাও বলছেন। পাশাপাশি প্রশান্ত কিশোর দাবি করছেন যে 2019 সালে ওয়ার্নাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী নিজে কংগ্রেসের সভাপতি পদটি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলনই হলো না। শোনাবো কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग टेकिंग अ बैक स्टेप भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो या सही या गलत उसको छोड़ दो, अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो, अगर किसी वजह से 3ों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े। साक्षात्कार प्रशांत किशोर राहुल गांधी के खोजा दिए बोलें जे एक जन राजनैतिक नेता तार पॉजिटिव दिकगुलो जानार पाशापाशी तार गाफिलती बा दुर्बलतार दिकटाओ बोझें। राहुल गांधी निजे सेटा निश्चय बोझें किन्तु केउ आपनाके साहाज्य करते पारबे ना आपनी जदि निजेर भूलगुलोके चिन्हित निजे ना करें। রাহুল মনে করেন তার ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য কেউ না কেউ থাকবে, এটা অবাস্তব। শোনাবো কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है, एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है, ही नीड्स समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही थिंक्स इज राइट, वो हो नहीं सकता है। কংগ্রেস নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি আরও বলছেন যে বহু কংগ্রেস নেতা গোপনে স্বীকার করবেন যে এখনও কোনো একটি আসন কিংবা কোনো প্রার্থী নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই, এক্স ওয়াই জেড এর থেকে অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত টু শব্দটাও করতে পারে না কেউ।
রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়ে বড় সড় প্রশ্ন তুলে দিলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। সর্বভারতীয় একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রশান্ত কিশোরকে প্রশ্ন করা হয় বর্ণাঢ্যের কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি উত্তরে বলেন যে রাহুল গান্ধীকে বাস্তবটা বুঝতে হবে, যে রাজনৈতিক দলটায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন না সরে আসতে পারছেন না, অন্য কাউকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন। গত 10 বছর ধরে যে রাহুল গান্ধী ব্যর্থ হচ্ছেন তার বাস্তবতা বিচার করে রাহুল গান্ধীর উচিত অন্তত পিছিয়ে আসা। প্রশান্ত কিশোর বলেন যে 2014-2019 দুটি ভোটে রাহুল নেতৃত্ব দিলেও দল ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও তার কোনো পরিবর্তন নেই। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, আপনি যখন বিগত 10 বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছেন অথচ কোনো সাফল্য আসছে না, তখন স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া উচিত। এটা কোনো পরাজয় নয়, আগামী 5 বছরের জন্য অন্য কাউকে জায়গা করে দেওয়া উচিত। আপনার মাও তো তাই করেছিলেন। শোনাবো আপনাদের প্রশান্ত কিশোর কি বলছেন। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन दिस स्टेपिंग टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो या सही या गलत उसको छोड़ दो, अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से 3ों चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं। सब्सक्राइब कर आज तक बांग्ला यूट्यूब चैनल के, फॉलो कर व्हाट्सएप चैनल।